नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़े बड़े रिकॉर्ड बन जाते हैं क्रिकेट में और वही आने वाले समय में बड़े रिकॉर्ड टूट भी जाते हैं। तो गाइस, किसी मैच में बल्लेबाज हावी हो जाता है गेंदबाज पर, मगर दोस्तों किसी मैच में गेंदबाज बल्लेबाज पे हावी हो जाता है। तो गाइस, आज IPL 2020 के 13वें सीजन का 51वां मुकाबला दिल्ली वर्सेस मुंबई के बीच में खेला गया, जहां पर ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी की बदौलत मात्र 110 रन बनाने दिए दिल्ली के सभी बल्लेबाजों को। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी का पूरा हाईलाइट जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। मुंबई टीम के कप्तान कार्डन पोलार्ड ने पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी। तो गाइस, सबसे पहले दिल्ली की ओर से शिखर धवन के साथ पृथ्वी शो ओपनिंग करने के लिए आई, मगर दोस्तों शिखर धवन को बिना कोई खाता खोले हुए सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया ट्रेंट बोल्ट ने। तो वही दूसरा बड़ा विकेट लिया तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, पृथ्वी शो को मात्र 10 रन बनाने दिए और क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट करवा दिया ट्रेंट बोल्ट ने। तो वहीं अपना तीसरा विकेट लिया ट्रेंट बोल्ट ने 19 ओवर की तीसरी गेंद पर, अश्विन को आउट कर दिया 12 रन लगाने के बाद अश्विन चलते बने, कुणाल पांड्या के हाथों इन्हें कैच आउट करवा दिया। तो गाइस, टोटल बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 21 रन दिए, तो वहीं 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मगर दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा तो तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की। या दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने बहुत कमाल का अपना खेल दिखाया और 10 ओवर के बाद जसप्रीत बुमराह का मैदान में तूफान देखने लायक था। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 12 ओवर की पहली गेंद पर मार्कस एस्टोनिस को आउट कर दिया। मार्कस एस्टोनिस 2 रन बनाकर चलते बने, क्विंटन डीकॉक के हाथों इन्हें कैच आउट करवा दिया जसप्रीत बुमराह ने। तो वहीं इसी ओवर में एक और बड़ा विकेट लिया ऋषभ पंत के रूप में। या दोस्तों, ऋषभ पंत 21 रन बनाने के बाद चलते बने, LBW आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने इसी ओवर की यानी कि 12 ओवर की चौथी गेंद पर। तो वहीं दोस्तों, उसके बाद 14 ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल को अपना निशाना बनाया जसप्रीत बुमराह ने, LBW आउट कर दिया 5 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं दोस्तों, 20 ओवर की आखिरी गेंद पर रवाड़ा को आउट कर दिया, रन आउट कर दिया 12 रन बनाकर चलते बने। और इस तरीके से देखते हुए जसप्रीत बुमराह ने टोटल 4 ओवर में मात्र 17 रन दिए, तो वहीं 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों, इन दोनों ही गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी को देखते हुए टोटल दिल्ली के बल्लेबाज मात्र 110 रन बना पाए 9 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में। और दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई इंडियंस की टीम ने मात्र 1 विकेट गंवाने के बाद 15 ओवर की दूसरी गेंद पर इस मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। ईशान किशन ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक जोरदार छक्का लगा दिया। इसी के साथ ही 9 विकेट से मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और अब 18 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, ऑल प्रेस करें क्रिकेट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।